हेलो मेरे स्वाद के मित्रों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपके स्वाद के मित्र, स्वागत करती हूं आपके अपने स्वाद का मित्र चैनल पर। और आज हम बनाएंगे आम का अचार। गर्मियों का मौसम है, आम का अचार तो बनता ही है। आम का अचार ऐसा बनाएंगे जो जल्दी से बनेगा भी, साल भर आप उसे रख भी सकते हैं और मजे लेकर खा भी सकते हैं। तो आइए मिलकर बनाते हैं आम का अचार। ये लिए हैं मैंने कच्चे आम, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इनके ऊपर के पार्ट को हटा लिया है। इसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से सुखाया है। इन्हें सुखाना जरूरी है, क्योंकि अगर इनमें नमी रहेगी तो आपका आम का अचार खराब हो जाएगा। कद्दूकस की सहायता से अब हम करेंगे कच्चे आम को कद्दूकस। और ध्यान रहे, आपको इसे छीलना नहीं है। आप कच्चे आम को पलटते रहिए और पलट पलट कर कद्दूकस करते रहिए। ध्यान रखना है, आपको इसकी जो गुठली है उसे कद्दूकस नहीं करना है, नहीं तो आपका आम का जो अचार होगा वो कड़वा हो जाएगा। ये देखिए, आम का लच्छा तैयार हो गया है और ये है इसकी गुठलियाँ। और ध्यान रहे, आपको इसकी गुठलियाँ फेंकनी नहीं है। आप इन्हें दाल या सांभर बनाते समय इस्तेमाल कीजिए, टमाटर की जगह इस्तेमाल करनी है, जिससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच हींग। हींग से अच्छा फ्लेवर भी आएगा और डाइजेशन भी फास्ट होती है। अब हम डालेंगे इसमें दो चम्मच नमक। नमक हमें इसमें थोड़ा ज्यादा डालना है, क्योंकि इस अचार को हमें लंबे समय तक स्टोर करना है। और अगर आपके घर में किसी को बीपी प्रॉब्लम है तो आप इसमें नमक कम ही डालें। अब हम करेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए आप, ताकि जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, नमक और हींग जो हमने इसमें डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और अब हम करेंगे इसे कवर, और कवर करने के बाद इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट। अचार का मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिए सौंफ, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, राई, साबुत धनिया और थोड़ी सी मेथी दाना। अब हम करेंगे इन मसालों को रोस्ट, और रोस्ट करने के बाद हम इन्हें दरदरा कूटेंगे। मसाले रोस्ट करने के लिए मैंने लिया है पैन। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने मसाले। लो फ्लेम पर मसालों को 30 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। बीच बीच में आप इन्हें चलाते रहिए। मसाले जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब मैं इन्हें ट्रांसफर कर रही हूँ ओखली में। ओखली में ट्रांसफर करने के बाद हम इन मसालों को दरदरा कूटेंगे। मसाले को दरदरा कूट लेंगे। ताजे मसाले जो होते हैं हमारे, उनकी खुशबू और स्वाद अलग ही होती है। ये देखिए, हमने मसाले को दरदरा कूट लिया है और यह अचार का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आम के अचार के लिए मैंने लिया है तड़के पैन में सरसों का तेल, और अब हम इसे तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। आप देख सकते हैं, सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं इसमें से उठ रहा है। इसका मतलब कि इसका कच्चापन दूर हो चुका है। इस टाइम हम करेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन की कलियां। इसी के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ अचार का मसाला, और अब हम इसे करेंगे मिक्स। अब हम इस तड़के को ट्रांसफर कर रहे हैं आम के लच्छे में। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एकदम अच्छे तरीके से मसाले को लच्छे में मिक्स कीजिए, ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है आम के लच्छे में समा जाए। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब
अब मैं इसे ढककर रख रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे करते हैं ओपन और ओपन कर देखते हैं। वाओ, आम का लच्छेदार इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसे एक अच्छे से जार में ट्रांसफर। अचार को स्टोर करने के लिए मैंने लिया है कांच का एक जार, जिसे मैंने अच्छे से धोया है और धोकर अच्छे से सुखा लिया है। जार में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आपके जार में मॉइस्चर होगा तो आपका जो आम का अचार है वो लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो पाएगा। आम के अचार को अब हम करते हैं जार में ट्रांसफर। आम का अचार बनकर तैयार है। अगर आप इसका स्वाद अभी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, वरना मैं कहूंगी रखिए थोड़ा सा सब्र, एक दिन के लिए इसे रहने दीजिए मैच्योर होने के लिए, जिससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और आप उसे मजे लेकर खाएंगे भी। अचार एकदम रेडी हो चुका है। यकीन कीजिए ये सिर्फ देखने में ही नहीं स्वाद में भी बहुत ही जबरदस्त है। तो मेरे स्वाद के मित्रों, बताओ आम का लच्छेदार अचार कैसा लगा? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।